2020 का जो एग्ज़ाम था वो फिर पोस्टपोन हो चुका है, और ये जो एग्ज़ाम है अभी फर्दर नोटिस के लिए, फर्दर डेट के लिए इसको टाल दिया गया है कि जैसे ही कोरोना या वैक्सीन कुछ भी होता है कि थोड़ा स्लो डाउन हुआ तब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 बार पहले भी पोस्टपोन हो चुका है, अभी एक बार फिर हो गया जो कि अगस्त 22 को होने वाला था। तो ये एक हर ये जो क्लैट का एग्ज़ाम है ये दिया जाता है एनएलयू में एडमिशन के लिए। एनएलयू मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी, हर स्टेट के एनएलयूज़ होते हैं। उस एनएलयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएलएलबी या बीबीएलएलबी के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड 12th के बाद, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्लैट बोलते हैं, हर साल कंडक्ट करते हैं। और इसको कंडक्ट करने वाले एनएलयू होते हैं। एनएलयू के हर किसी एक इंस्टीट्यूट को दे दिया जाता है कि इस साल आप कंडक्ट होगे। तो इस साल जो ये जो होने वाला है वो क्लैट का एग्ज़ाम वो करने वाला है डीएनएलयू, जिसके वाइस काउंसिलर काउंसिलर हैं बलराज चौहान, उन्होंने ही पोस्टपोन किया है। ये पहले 22 अगस्त को होने वाला था, और इसका फर्दर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आपको ऑनलाइन टाइम दे दिया जाता है। सर्टेन टाइम के अंदर आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कुछ रीजनिंग, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। तो इसका अभी डेट जो चेंज हुआ है वो अभी डेट बताया नहीं गया है, जब भी बताया जाएगा हम आपको बता देंगे। ये लास्ट टाइम डेट को ऑल्सो रीड क्लैट 2020 पोस्टपोन ड्यू टू द कोरोना वायरस टू बी हेल्ड इन मे 24। ओ अब मे 24 में पहले होने वाला था पर नहीं हो पाया था क्योंकि उस वक्त भी पीक पे था और अभी भी, तो इसीलिए इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। और एप्लीकेशन तो जुलाई 1, एक्सटेंडेड टू जुलाई 8 लास्ट डेट फॉर। और आप इसकी जो डेट है भरने की वो 1 जुलाई तक अब कर दिया कि इन केस आपने नहीं भरा है और आपका छूटा हुआ है तो अभी आपके पास टाइम है, भर सकते हो। जय हिंद। और इसके ऊपर और कोई लो अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को कर दें, क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड हूँ सो आई नो ऑल दिस फैक्ट्स प्रॉपरली। मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया था IPM एडमिशन के लिए। जय हिंद। कीप वॉचिंग।